घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता, और जब भी हम अपने शहर से बाहर किसी खूबसूरत जगह को घूमने जाते हैं तो अक्सर हमें स्टे करने के लिए होटल की जरूरत पड़ती ही है, और हर होटल अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अच्छी सर्विसेज भी देता है जो आपको भी इम्प्रेस करती होगी। लेकिन अगर होटल का एनवायरनमेंट और वहाँ की सर्विस आपको इतना अट्रैक्ट करती है कि आप भी किसी बेहतरीन होटल का हिस्सा बनना चाहते हो, इसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होगा और अपनी जरूरत के हिसाब से आपको होटल में जॉब करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और खास बात तो ये है कि आजकल होटल इंडस्ट्री में आए दिन नए नए जॉब ऑप्शंस आते ही रहते हैं, इसीलिए होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आप आसानी से अपनी पसंद की जॉब पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले होटल मैनेजमेंट से जुड़ी पूरी बेसिक जानकारी लेते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है होटल को हर तरह से मैनेज करना, यानी होटल में होने वाली हर एक्टिविटी को सही तरीके से सही समय पर करने का तरीका सीखना। इसमें बहुत से काम शामिल होते हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल बुकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और भी बहुत कुछ। तो हमारे देश की जीडीपी में होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। टूरिस्ट चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, होटल इंडस्ट्री की सर्विसेज का फायदा सभी लेते हैं, इसीलिए इस फील्ड में एक्सपर्ट और ट्रेंड ग्रेजुएट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो अपनी सर्विस से सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि होटल में जॉब करने के लिए आप कौन कौन सी जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब पाने के लिए आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। डायरेक्टर ऑफ होटल ऑपरेशन, मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर, शेफ, फ्लोर सुपरवाइजर, गेस्ट सर्विस सुपरवाइजर, रेस्टोरेंट फूड सर्विस मैनेजर, फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, किचन मैनेजर और वेडिंग कोऑर्डिनेटर। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आइए अब जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं और उनके लिए एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या होता है। तो होटल मैनेजमेंट में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसकी ड्यूरेशन 1 साल की होती है, और इसके लिए आपका 10th और 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, AIMA, UGAT, BVPCET एग्जाम्स और BIT मिर्सा होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट यानी कि BHMCT। और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी और डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग। इसी के साथ होटल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें तो अगर आप होटल मैनेजमेंट को लेकर के वाकई में सीरियस है और इसे ही अपना परफेक्ट करियर ऑप्शन समझते हैं तो आपको इस पे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लेना चाहिए जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है, और इस कोर्स को करने के लिए आपका 10+2 एग्जाम कम से कम 50% यानी कि 50% मार्क से क्लियर होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप इन कोर्सेज में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन फूड एंड बेवरेज। होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी, AIMA, UGAT, AIHMCT, WAT, BVPCET, DTE-HMCT, JET एंट्रेंस एग्जाम। अब आगे बात करें अगर होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की, तो अगर आप इस सब्जेक्ट पर अपनी गहरी पकड़ बनाना चाहते हैं तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा और उसके बाद आप 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स आसानी से कर सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन होटल मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी, UPSC मैट, XAT, NMAT, GMAT, MAT। तो दोस्तों ये तो बात हुई होटल मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सेज की ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स की, और अब बारी है होटल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ सब स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले है मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। इस कोर्स में होटल के प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरीके से टूरिस्ट तक पहुंचाना है ये स्टडी किया जाता है। इसमें रूम, फूड, स्पा सर्विस, गेमिंग लाउंज की सर्विसेज के जरिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने की पूरी प्लानिंग भी सिखाई जाती है। दूसरा है फूड साइंस एंड हाईटेक मैनेजमेंट। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को फूड सर्विस से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जिसमें फूड में न्यूट्रिएंट वैल्यू बनाए रखने, मेन्यू प्लान बनाने और फूड क्वालिटी कंट्रोल करने जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शामिल होते हैं।
ताकि गेस्ट को हेल्दी और क्वालिटी फूड सर्व किया जा सके और उन्हें संतुष्ट किया जा सके। तीसरा है इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कोर्स में होटल में होने वाले इवेंट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने से जुड़ी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद होटल में होने वाले इवेंट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी होटल के कर्मचारियों की ही होती है, इसीलिए उसे बेहतर तरीके से हैंडल करने की स्किल उन्हें इस कोर्स के तहत सिखाई जाती है। चौथा है फैसिलिटी प्लानिंग डिजाइन एंड मैनेजमेंट, मतलब ये कि होटल जितना खूबसूरत और ऑर्गेनाइज्ड होगा वहाँ आने वाले कस्टमर्स की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी, और इसीलिए इस कोर्स की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और इस कोर्स में होटल की फैसिलिटी प्लानिंग और उसके लेआउट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने की स्किल्स को सिखाया जाता है। पांचवा है हॉस्पिटैलिटी लॉ, किसी भी एजेंसी इंस्टीट्यूट को चलाने से पहले उससे जुड़े लॉज की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, और होटल इंडस्ट्री में बिल्डिंग एम्प्लॉयज और कस्टमर्स की सेफ्टी से जुड़े हुए बहुत से कानून हैं, जिनके बारे में इस कोर्स में बताया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया जा सके और होटल की रेपुटेशन और सेफ्टी को बनाए रखा जा सके। तो अगर आप एक सही कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलेंगे तो आपके पास होटल मैनेजमेंट से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट स्किल्स होगी, जो आपको बड़े बड़े होटल्स में भी आसानी से जॉब दिला सकेगी। और हो सकता है कि आप अपने आप में इतने एक्सपर्ट हो जाए कि एक्सपीरियंस के बाद आपको ताज ग्रुप्स ऑफ होटल्स, ओबेरॉय ग्रुप्स ऑफ होटल्स जैसे होटल्स में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इससे बेहतर आप और क्या चाह सकते हैं? और खास बात ये है कि आज इंडिया में बहुत से 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स है जिनकी चेन भी होती है, यानी ज्यादा जॉब ऑप्शंस। इसीलिए आपको इस फील्ड में करियर बनाने के लिए पूरी तरह से फोकस होकर के स्किल्ड होना चाहिए, ताकि आपको अपनी पसंद का होटल मिल सके। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो ये आपकी पोस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही होगी, फिर भी अंदाजे से बताया जा सकता है कि होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट करने के बाद फ्रेशर के तौर पर एक अच्छे होटल में जॉब करने पर आपको 15,000 से 20,000 पर मंथ मिल सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ तो बढ़ेंगे ही, साथ ही आपकी पोजीशन से भी इफेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से कोर्स किया होगा तो ये सैलरी काफी बेहतर होती जाएगी। इसीलिए होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने से जुड़ा हर स्टेप सोच समझ करके उठाइएगा।